नमस्कार मित्रों, सरल संस्कृत व्याकरण चैनल में मैं अरुण पांडे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं याज्ञवल्क्य स्मृति का यह दूसरा भाग है। इससे पहले के भाग में याज्ञवल्क्य स्मृति में हमने केवल इस ग्रंथ का तथा इस ग्रंथ के कर्ता याज्ञवल्क्य का सामान्य परिचय जाना था, इस ग्रंथ के ऊपर उपलब्ध टीकाओं के बारे में जाना था, इस ग्रंथ का जो हमारा अध्येतव्य अध्याय दूसरा अध्याय है उस अध्याय के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों के नाम जाने थे। अब इस दूसरे पाठ में, वो पहला पाठ अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो मिल जाएगा, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा तो वहां से देख सकते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति का वो पहला भाग था, आज हम दूसरे भाग में याज्ञवल्क्य स्मृति के व्यवहाराध्याय के पहले प्रकरण को, श्लोक के प्रत्येक श्लोकों को अर्थ सहित पढ़ेंगे। तो याज्ञवल्क्य स्मृति के व्यवहाराध्याय के पहले प्रकरण का पहला श्लोक ऐसा है, व्यवहारान्नृपः पश्येद् विद्वद्भिर्ब्राह्मणैः सह धर्मशास्त्रानुसारेण क्रोधलोभ विवर्जितः। नृपः मतलब राजा, राजा कैसा हो, क्रोधलोभ विवर्जितः नृपः। राजा के अंदर न गुस्सा हो न लोभ हो, आप इसे ही शब्दावली को समझते जाएंगे। और अगर हर एक श्लोक के शब्दों को समझे हैं तो आप ये सब बता पाएंगे कि यह कहाँ का श्लोक है और इसको किस तरह से सॉल्व करना है, ये भी आपके मन में आएगा। तो नृपः क्रोध लोभ विवर्जित, नृपः मतलब राजा, क्रोध लोभ विवर्जित मतलब जिसके अंदर क्रोध विवर्जित हो, लोभ विवर्जित हो, मतलब जिसके अंदर कोई क्रोध ना हो, गुस्सा, कोई लोभ मतलब लालच किसी दूसरे की वस्तु को प्राप्त करने की लिप्सा जो होती है वो लोभ कहलाता है। तो क्रोध और लोभ से जो विवर्जित नृप है वह व्यवहारान पश्येत, वह क्या देखे, व्यवहारों को देखे, क्या देखे, व्यवहारों को देखे और व्यवहारों पर विचार करे। अब देखिए, राजा के पास न्यायार्थी आते हैं, लोग, प्रजा के लोग आते हैं कि हमारा न्याय करिए, हमारे साथ ऐसा घटना हुई, हमारे साथ ऐसी घटना हो गई है, वादी प्रतिवादी आते हैं तो उनके विवादों को सुलझाना पड़ता है राजा को। तो वो सामने वादियों प्रतिवादियों के व्यवहार को देखेगा, व्यवहारान पश्येत, अब किस किस प्रकार के व्यवहारों को देखेगा वो पूरे व्यवहाराध्याय में हम पूरा 25वें प्रकरण में सब पढ़ेंगे। तो वो व्यवहारों को देखे, पर कैसे वो देखे, व्यवहारान सह नृपः कथम पश्येत, विद्वद्भिर् ब्राह्मणैः सह, ब्राह्मणों के साथ बैठ के व्यवहारों को देखे। पर वो ब्राह्मण कैसे हो, विद्वान ब्राह्मणों का, ऐसे तैसे कोई ब्राह्मण न हो, विद्वान ब्राह्मणों के साथ नृप राजा क्रोध लोभ से जो वर्जित राजा है वह प्रजा के व्यवहारों को देखे। पर कैसे देखे, धर्मशास्त्र के अनुसार व्यवहारों को देखे। धर्मशास्त्र में जिस तरह के बताया गया है कि ऐसा व्यवहार है प्रजा का, ऐसा वादी का, ऐसा प्रतिवादी का व्यवहार है, ये सब कुछ जो धर्मशास्त्र के अनुसार ही जो व्यवहार है, मतलब राजा कैसा हो, क्रोध और लोभ से विरहित होकर, क्रोध और लोभ से विवर्जित होकर, विद्वान ब्राह्मणों के साथ, विद्वद्भिः ब्राह्मणैः सह, विद्वान ब्राह्मणों के साथ बैठकर धर्मशास्त्रानुसार व्यवहारों को, धर्मशास्त्रानुसार जो विवाद हुआ है उसको, उनको विवादों को धर्मशास्त्रों के अनुसार पश्येत मतलब देखे। ये हो गया पहले श्लोक का अर्थ। ये श्लोक कहां पर प्राप्त होता है, सभी वाक्य पर आ सकता है, तो ये याज्ञवल्क्य स्मृति के पहले प्रकरण, जो पहला प्रकरण है याज्ञवल्क्य स्मृति का, साधारण व्यवहार मात्रिका प्रकरण नाम का, उसका यह पहला श्लोक है। अब दूसरा श्लोक हम देखेंगे, श्रुताध्ययन संपन्ना धर्मज्ञ सत्यवादिनः राज्ञा सभासद कार्या रिपौ मित्रे च ये समाः। अब राजा के सभासद कैसे हों, राजा के वो जो सभासद मतलब जो विद्वद्भिर् ब्राह्मणैः सह, विद्वान ब्राह्मणों के साथ बैठकर वो व्यवहारों को देखेगा, लेकिन वो विद्वान ब्राह्मण जो उसके सभासद है या सभा में और भी जो लोग बैठते हैं वो सब लोग कैसे हो, राजा के सभासद कैसे हो, श्रुताध्ययन संपन्ना। श्रुत मतलब होता है मीमांसा, व्याकरण इत्यादि शास्त्र को श्रुत शास्त्र कहा गया है, ठीक है। तो मीमांसा, व्याकरण आदि श्रुत शास्त्रों के अध्ययन से, अथवा श्रुत का अर्थ वेद भी ले सकते हैं, तो वेद के अध्ययन से संपन्न हो, मीमांसा व्याकरण आदि के अध्ययन से संपन्न हो, ऐसा अर्थ ले सकते हैं।
और धर्मज्ञ, धर्मज्ञ का अर्थ लेना धर्म शास्त्र को जानने वाले जो हैं, वेद के अध्ययन से संपन्न है और फिर वेद को अच्छी तरह से पढ़ा है जिन्होंने, या मीमांसा व्याकरण इत्यादि को अच्छी तरह से पढ़ा है, धर्मशास्त्र को जो जानते हैं, जो हमेशा सत्य ही बोलते हैं, सत्यवादी न, राजा को वैसे ही सभासद करने चाहिए, राजा को वैसे ही सभासद नियुक्त करने चाहिए। राजा कार्या के कार्या सभासद, सभासद लोग, ऐसे सभासद लोगों को बनाना चाहिए जो श्रुताध्ययन संपन्न हो, धर्म को जानने वाले हों, धर्मशास्त्र को जानने वाले हों, सत्य बोलने वाले हों। और बहुत बड़ा गुण अगले वाक्य में बता रहे हैं, रिपो मित्रे च ये समा, ऐसे तैसे किसी व्यक्ति को वो ना बना ले अपना सभासद। कैसे को बनाए? जो रिपु में मित्र में समान व्यवहार रखता हो, अगर न्याय के लिए उनका शत्रु भी आ गया हो तो भी उस वही व्यवहार करेंगे, मित्र आ गया हो तो भी वही व्यवहार करेंगे, जो न्यायोचित है वही करेंगे। यानी मित्र में और शत्रु में भी जो समान भाव रखते हैं, तो शमम शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो, ऐसा गीता में भी कहा गया। तो शत्रु और मित्र में जो समान व्यवहार रखते हैं, ऐसे स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है, जो सत्यवादी व्यक्ति है, इतने सारे विशेषण से युक्त जो व्यक्ति है, ऐसे को राजा अपने अपना सभासद बनाए। अब तीसरा श्लोक देखते हैं। तीसरा श्लोक ऐसा है, अपश्यता कार्यवशाद व्यवहारान नृपेण तु सभ्य सहनियोक्तव्यो ब्राह्मण सर्वधर्मवित। ये कह रहे हैं कि अपश्यता, अपश्यता मतलब अपश्यता राज्ञा, अगर राजा किसी व्यस्तता के कारण या अस्वस्थता के कारण कोई कार्य कार्यवशात मतलब किसी कार्य के वश में आ जाए, कोई दूसरे काम में आ जाने पर अपश्यता न देख पाए, क्या न देख पाए, व्यवहार को, वाद प्रतिवाद को न देख पाए अपनी सभा में आए हुए को, तो व्यवस्था व्यस्तता अथवा अस्वस्थता वश किसी भी कारण से अपने व्यवहारों को न देख पाने पर व्यवहारान अपश्यता नृपेण, जो व्यवहारों को न देख पा रहा हो ऐसे राजा के द्वारा, पर किस कारण नहीं देख पा रहा है, कार्यवशात अन्य कोई कार्य आ जाने पर, तो वो क्या करे, उसके द्वारा क्या कर देना चाहिए, तू मतलब उसके द्वारा तो फिर क्या कर देना चाहिए, सभ्य ही सहनियोक्तव्यो ब्राह्मण सर्वधर्मविद, तो उसको अपने व्यवहारों को देखने के कारण, उसको अपने व्यवहारों को देखने के लिए सर्वधर्मविद मतलब सभी धर्मों को जानने वाला, सर्वधर्मवित होता कौन, जो सभी धर्मों को जानता हो ऐसा सर्वधर्मवित, सभी धर्मों को जानने वाला ब्राह्मण सभ्य ही सहनियोक्तव्यो, सभ्य मतलब सभासदों के साथ और भी उसके सदस्य हो, ऐसा नहीं किसी एक अकेले ब्राह्मण को कह दे नियुक्ति कर दे कि वही सभी व्यवहारों को देखे, राजा की अनुपस्थिति में, राजा की व्यस्तता में, राजा की अस्वस्थता में वह जो ब्राह्मण है सभी धर्मों को जानने वाला है वह अकेले ही सभी व्यवहारों को न देखे, उसके कुछ सभ्य भी रहे और कुछ सदस्य भी रहे, यानी कुछ और सभासदों के साथ सभी धर्मों को जानने वाला जो ब्राह्मण है उसको नियुक्त कर दें। अगर राजा किसी कार्यवश में आ जाने पर व्यवहार को नहीं देख पाए तो ऐसा काम करना चाहिए। इसके बाद चौथा श्लोक पढ़ेंगे, रागा लोभाद्वयाद्वापी स्मृत्यपेताधिकारिण सभ्या पृथक पृथक दंड्या विवादाद्युगुणम दमम। ये कह रहे हैं कि राग से, राग क्या होता है, स्नेह, राग क्या होता है, स्नेह प्रेम अनुराग, राग के वश अथवा लोभ के वश लालच ले लेते हैं, कुछ घूस ले लेते हैं, उत्कोच जो प्राप्त कर जाते हैं, लोभ हो जाता है कि चलो ठीक है हम अन्याय के बदले अन्याय कर देते हैं, अथवा भय के वश में। तीन चीज, तीन कारण बताए, किन तीन कारणों से अन्याय भी हो सकता है, राग से, अगर आपको प्रेम है, जैसे धृतराष्ट्र को दुर्योधन से राग था तो उसने युधिष्ठिर इत्यादियों के साथ अन्याय किया, राज्य का बंटवारा कर दिया, तो ये राग से अथवा लोभ से, लिप्सा भी रही होगी, लोभ भी रहा होगा, या भय से, डर से, इन तीन कारणों से अन्याय हो सकता है। तो रागात लोभात भयात मतलब डर से अगर व्यवहार में क्या हो जाए, स्मृत्यपेताधिकारिणा, स्मृति मतलब होता है धर्मशास्त्र, श्रुतिस्तुवेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रमिति स्मृति, ऐसा कहा गया है। धर्मशास्त्र क्या है, स्मृति है, तो स्मृति का क्या अर्थ होना है, लेना है आपको धर्मशास्त्र, यानी धर्मशास्त्र
के अपेत यानी विरुद्ध, धर्मशास्त्र के विरुद्ध करते हैं, अगर धर्म के शास्त्र के विरुद्ध कोई काम करते हैं। किसके अविरुद्ध, किसके वश में आकर, राग के वश में आकर या लोभ के वश में आकर या भय के वश में आकर अगर कोई व्यक्ति स्मृति यानी धर्मशास्त्र के अपेत कोई काम करता है, विरुद्ध कोई काम करता है, विरुद्ध आचरण करता है, तो उसको वह ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई सभ्य, अगर राजा का सभ्य ही कोई ऐसा काम कर रहा है तो राजा अपने सभ्य को क्या करे, न्याय के लिए जो अगर आता है कोई केस तो उसमें दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष में एक पक्ष न्याय वाला होता है, एक अन्याय वाला होता है। तो जो अन्याय वाला पक्ष है यानी जिसको दंड मिलना चाहिए और न्याय वाला जिसको न्याय मिलना चाहिए, दो पक्ष होते हैं। तो अन्याय वाले पक्ष को जिसको दंड मिलना चाहिए उससे दुगुना दंड सभ्य को दे देना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए कि उसको 1000 स्वर्ण मुद्रा का दंड मिल गया कि तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्रा दंड में देनी पड़ेगी, तो अपने सभ्यों से 2000 स्वर्ण मुद्रा दंड ले यदि सभ्य ने कोई स्मृति या धर्मशास्त्र के विरुद्ध काम किया है, यानी स्नेहवश लोभवश या भय के वश में अगर व्यवहार करते समय धर्मशास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वालों को, अपने सभ्यों को, उस विवाद में पराजय का जितना दंड मिलता है उसका दुगुना दंड पृथक पृथक हरेक, पृथक पृथक मतलब हरेक सभ्यों को, ऐसा नहीं कि उसका दुगुना धन सभी सभ्य मिलके दे दे, ऐसा नहीं, हरेक सभ्य दुगुना दुगुना धन दे, उसका दुगुना दुगुना दंड दे, ऐसा विवादात दुगुणम दमम, ऐसा दमन करना चाहिए, हरेक सभा सदों से दुगुना दंड लेना चाहिए ऐसा राजा के द्वारा। तो अब पांचवा श्लोक पढ़ते हैं। स्मृत्याचार व्यपेतेन मार्गेण धर्षितः परैः आवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहार पदम हितत्। स्मृत्याचार व्यपेतेन, स्मृत्याचार व्यपेतेन का तात्पर्य लेना है स्मृति यानी होता है धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र के आचार यानी धर्मशास्त्र का जो आचरण है उससे व्यपेत यानी विरुद्ध, धर्मशास्त्र के आचरण के विरुद्ध अथवा आदर्शित, आदर्शित मतलब क्या होता है, दूसरों के द्वारा अगर क्या हो जाए, कोई दूसरा व्यक्ति धर्मशास्त्र में विहित आचरणों के विरुद्ध कोई आचरण करके किसी को पीड़ित करता है तो जो आदर्शित है यानी जो पीड़ित है वह आवेदयति चेद्राज्ञ व्यवहार पदम हित। समझना यह है कि स्मृति यानी धर्मशास्त्र के आचरण के विरुद्ध कोई आचरण करता हुआ, कोई विरुद्ध मार्ग पे चलता हुआ कोई व्यक्ति, स्मृति के विरुद्ध मार्ग पर चलता हुआ कोई व्यक्ति अगर किसी को आदर्शित यानी पीड़ित करता है तो वह जो पीड़ित व्यक्ति है, पर ही पीड़ित दूसरों के द्वारा जो पीड़ित व्यक्ति है वह यदि राजा के पास आकर आवेदन करता है, राजा के पास आकर निवेदन करता है कि मुझे इन लोगों ने ऐसे ऐसे पीड़ित किया, तो राजा को इस पर व्यवहार करना चाहिए, यही व्यवहार का विषय होता है, व्यवहार पदम यानी व्यवहार का यही विषय होता है। इसी तरह की बातों में राजा को व्यवहार करना चाहिए, पूरे व्यवहार अध्याय में हमको इसी तरह का विषय मिलेगा। अगला श्लोक हम छठा श्लोक देखेंगे। प्रत्यर्थिनो ग्रतो लेख्यम यथा वेदितम अर्थिना समामास तदर्धाहर नाम जात्यादि चिह्नितम। इसमें क्या कह रहे हैं कि प्रत्यर्थिनः अग्रतः लेख्यम। अब जब मान लीजिए कोई ऐसे झूठे मूठ आके व्यक्ति आके कह दे कि हमें इस व्यक्ति ने इस तरह से अधर्षित किया, इस तरह से पीड़ित किया है, वो झूठ ही कह रहा हो तो कैसे पता चले। इसलिए ऐसा नियम बता रहे हैं कि जो प्रत्यर्थी है, प्रत्यर्थी मतलब जिसने पीड़ित किया है, ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाए, ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाए वो प्रत्यर्थी है। अर्थी कौन है, जो पीड़ित हुआ है यानी जो वादी है, और ये प्रत्यर्थी यानी प्रतिवादी, जो जिसने पीड़ित किया है उस प्रत्यर्थी को लाकर उस प्रत्यर्थी के सामने, प्रत्यर्थिनः अग्रतः, उस प्रत्यर्थी के सामने जो आवेदितम अर्थिना यथा, मतलब जो अर्थी व्यक्ति है, जो वादी है, जो पीड़ित है, उस पीड़ित व्यक्ति ने जैसे आवेदन किया था, जैसे बोला था राजा के सामने, उसे लिखवा लेना चाहिए। कब लिखवा लेना चाहिए, प्रत्यर्थी जब आए तो उसके सामने लिखवाना चाहिए। रिपोर्ट लिखवाते हैं ना आजकल, FIR लिखवाते हैं, वो उस समय राजा के दरबार में होता था, तो वो प्रत्यर्थी रहे, मतलब अब आजकल तो कोई भी जाके कुछ भी लिखवा के आ जाता है, पर ऐसा नहीं था।
प्रत्यर्थी मतलब प्रतिवादी जो जो जिसने अत्याचार किया वह सामने आ जाए तो उसके सामने लिखवाते थे। आवेद अर्थिना यथा आवेदितम, अर्थी ने जो बोला है वह प्रत्यर्थी के सामने लिखवाएं। और कैसे लिखवाएं? समा मास, यहां समा का अर्थ होता संवत्सर यानी वर्ष, मास समा मतलब संवत्सर, मास यानी महीना, कौन से संवत्सर में यह ऐसी घटना हुई, कब मैं लिखित दे रहा हूं ऐसा, वो भी लिखवाएं। इस संवत्सर में, इस महीने में, इस अर्ध तदर्थ, तदर्थ मतलब महीने का आधा क्या होता है पक्ष। पहले के समय में जनवरी फरवरी महीना होता नहीं था, तो वैशाख मास, चैत्र मास, वैशाख मास, आषाढ़ मास, श्रावण मास, ऐसे सब चलता था। तो उस समय क्या लिखते थे? संवत्सर लिखेंगे, जैसे प्रमादी नाम का संवत्सर, परिभावी संवत्सर, ऐसे संवत्सर लिखेंगे, या विक्रम संवत लिखेंगे, मास यानी महीने, चैत्र वैशाख इत्यादि लिखेंगे, तदर्थ मतलब उसका आधा यानी पक्ष, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष लिखे लिखवाएं, और अहर का नाम, अहर मतलब दिन का नाम लिखवाएं। अहर तदर्थ और अहर, अहा मतलब दिन, कौन सा दिन, रविवार या कौन तिथि लिखवा लें, एकादशी दशमी कौन सी तिथि, वो सब कुछ लिखवा लें। फिर नाम जाति इत्यादि सब कुछ चिन्हित करवा लें, उसका जो जो वादी है उसका नाम क्या है, उसकी जाति क्या है इत्यादि जो कुछ भी विवरण लिखा सकते हैं वो सब कुछ प्रत्यर्थी के सामने लिखवाएं। अगले वाक्य श्लोक में क्या कह रहे हैं? श्रुतार्थस्योत्तरम लेख्यम पूर्वावेदक सन्निधौ ततोर्थी लेखयेत् सद्यः प्रतिज्ञातार्थ साधनम्। अब क्या होता है, जैसे न्याय में केस चलता है वैसे ही अब बता रहे हैं कि अब जो लिख दिया है उसने, पहले अर्थी ने लिखा, ये चार चार सोपान होते हैं, चार सीढ़ियां, ये समझिएगा। पहला सीढ़ी क्या है, अगर किसी ने पीड़ित किया है तो जो पीड़ित आया है वो राजा के पास अपना लिखवाएगा केस, ये पहली सीढ़ी होगी। दूसरी सीढ़ी क्या हुई, दूसरा सोपान, कि अब प्रतिवादी जो है उसको सीधे दंड नहीं दे देना है, उसका भी कुछ सुनना है, वो भी तो अपना कुछ दलीलें रखेगा, तो उसका उत्तर लिखवाना चाहिए, श्रुत अर्थ जो सुन, फिर उसको सुनवाए और फिर जो सुना हुआ अर्थ है उसका उत्तर लिखवाए। पूर्वावेदक सन्निधो, जो पूर्व आवेदक है, जो वादी है, जो पीड़ित है, उसके सन्निधो, उसके सामने ही उसका उत्तर लिखवाए, प्रतिवादी से उसका उत्तर सामने ही लिखवाएं। और फिर अगर मान लीजिए उसने कुछ उत्तर लिख दिया है, ऐसा उत्तर लिख दिया है कि जिससे उसका दंड बच जा रहा है या वह वेदना साबित हो जा रहा है, तो फिर से उसके तुरंत बाद फिर से अर्थी से, ततः अर्थी, ततः मतलब उसके बाद, अर्थी मतलब जो वादी आया था, जो पीड़ित आया था, उस पीड़ित से लिखवाएं। सद्यः प्रतिज्ञातार्थ साधनम्, जो उसने प्रतिज्ञात मतलब जो उसने राजा के यहां आकर जो कहा था, ठीक है, ये समझिएगा कि पहले सबसे पहले क्या करना है, पहले जो श्रुतार्थस्योत्तरम मतलब जो श्रुत अर्थ, वादी के वाद को सुनने के बाद प्रतिवादी को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर लिखना चाहिए। फिर उसके बाद उस प्रतिवादी का उत्तर सुनने के बाद तथा क्या करें, तुरंत अपने जो प्रतिज्ञात अर्थ था, जो उसने जो आकर कहा था कि मुझे इस तरह की पीड़ा की थी, उसका सिद्ध करने वाला, उसका अर्थ, उसके अर्थ को सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण लिखवाए। अर्थ साधन मतलब प्रमाणम, उसके अर्थ को सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण भी लिखवा दे, अर्थी अपना जो वो है प्रार्थी वो लिखवा दे। तो इस तरह से अब ऐसा करने के बाद जब सिद्ध हो जाए, तत्सिद्धौ सिद्धिमाप्नोति विपरीतमतोऽन्यथा चतुष्पाद व्यवहारो यम विवादेषु प्रदर्शितः। तत्सिद्धौ मतलब उस व्यवहार की सिद्धि हो जाने पर, इस तरह से जो व्यवहार की सिद्धि हो गई, पहले अर्थी आया अपना केस लिखवाया, फिर प्रत्यर्थी से उसका उत्तर लिखवाए, फिर प्रत्यर्थी के उत्तर लिखने के बाद फिर से अर्थी ने अपना प्रमाण सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण लिखा, अगर उस प्रमाण की सिद्धि हो गई कि ये जो अर्थी कह रहा है तो उसके अर्थ की सिद्धि हो गई, तो उसको सिद्धि मिल जाएगी यानी न्याय मिल जाएगा, और अगर अर्थ की सिद्धि नहीं हो पाएगी, प्रीत हुआ तो उससे कुछ अन्याय मिल जाएगा, अन्याय हो सकता, अन्यथा हो सकता है, मतलब तुम गलत केस कर रहे हो तो दंड भी मिल सकता है, अन्यथा हो जाएगा, सिद्धि प्राप्त होगा या तो दंड मिलेगा। अगर आप जो कह रहे हैं वो बात सही है तो सिद्धि मिल जाएगी आपको, सामने वाले को दंड मिल जाएगा, और अगर आपकी बात गलत है तो मतलब न्याय हो जाएगा। इस तरह से चतुष्पाद व्यवहार करना चाहिए, इस व्यवहार राजा को अपना व्यवहार कैसा करना चाहिए, चार पैर होते हैं व्यवहार में, व्यवहार के चार अंश होते हैं, ये चारों अंश अपने व्यवहार में, विवाद में, जो विवाद होता है राज्य में, उस विवादों में राजा का यह जो व्यवहार है वो चतुष्पाद दिखाया गया है। चतुष्पाद मतलब चार सोपान होते हैं, चार सीढ़ियां होती, चार अंश होते हैं,
सबसे पहला अंश क्या होता है कि पहले वादी आए अपना केस लिखवाए प्रतिवादी के सामने, फिर प्रतिवादी दूसरा सोपान है प्रतिवादी से उसका उत्तर लिखवाए, और तीसरा सोपान है कि वादी जो है वह अपने केस की सिद्धि के लिए कोई प्रमाण लिखे, और चौथा सोपान है कि फिर उसका न्याय या अन्याय करें, यानी केस को फाइनल करें। तो इस तरह से चतुष्वाद व्यवहार अयम विवादेषु उपदर्शिता, इस तरह ये चार प्रकार का चार पायर वाला व्यवहार होता है, यह विवादों में दिखाई पड़ता। इस तरह से हमने साधारण व्यवहार मात्रिका प्रकरण पूरा, उसमें आठ ये दूसरे व्यवहार अध्याय का यह आठवां श्लोक था, तो यह आठवां श्लोक तक हमने पढ़ लिया है। इसके बाद जो असाधारण व्यवहार मात्रिका प्रकरण है वो हम दूसरे भाग में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो आपको कल सुबह इसी समय प्राप्त हो जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।